वेलकम टू द रैंडम क्लब। लास्ट वीडियो में हमने एंगल्स कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। सो देर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कह सकते हैं और सर्कुलर फंक्शंस भी कह सकते हैं। Now let's take a triangle ABC which is right angled at B. अब इस ट्राइंगल में अगर हम एंगल C को थीटा कंसिडर करें तो इस एंगल C के लिए ये BC साइड है वो उसकी एडजेसेंट साइड होगी और ये AB साइड है वो उसकी ऑपोजिट साइड होगी और AC that is the longest side of this right angle triangle will be known as hypotenuse. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी के लिए अगर हम एंगल सी कंसिडर करें तो एंगल सी के लिए ए बी उसकी अपोजिट साइड होगी, बी सी जो कि उसके बाजू में है वो उसकी एडजेसेंट साइड होगी और ए सी तो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा। अब हमारे पास तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है। उसमें आता है फर्स्ट साइन थीटा। साइन थीटा को हम डिफाइन करते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस से। अपोजिट जो कि साइड ए बी है फॉर एंगल सी और हाइपोटेनस जो हमेशा ए सी ही रहेगा। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम डिफाइन करते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्राइंगल में हमारा एडजेसेंट है बी सी और हाइपोटेनस है ए सी, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। और थर्ड बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेन थीटा। टेन थीटा को हम डिफाइन करते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट से। अपोजिट फॉर एंगल दिस, थीटा के लिए अपोजिट है हमारा ए बी और एडजेसेंट है बी सी। अब हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये तीन थे हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमारे फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा और हमने आगे देखा कि साइन थीटा था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है वो होगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। अब हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल में ए सी और अपोजिट साइड है ए बी, तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी। सिमिलरली हमारे पास आता है सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। हमने देखा था कि कॉस थीटा था एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो उसका रेसिप्रोकल दैट इज हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट विल बी इक्वल टू सेक थीटा। और हाइपोटेनस हमारे पास था ए सी और एडजेसेंट है बी सी, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी। और लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉट थीटा है। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो टेन थीटा को हमने लिखा था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट थीटा को हम लिखेंगे एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब एडजेसेंट था बी सी, अपोजिट था ए बी, तो कॉट थीटा विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। अब कॉट थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा जो कि उसका रेसिप्रोकल है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था। तो ये थी हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ सम्स पे। तो पहला सम है, एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी दो साइड्स हमें दी हुई है। फर्स्ट साइड का मेजर है 24 सेंटीमीटर और सेकेंड साइड का मेजर है 7 सेंटीमीटर, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमें साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है। तो चलो आते हैं उसके सॉल्यूशन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे। तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कौन सा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारा आ गया पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में हम ये तो जो साइड्स की वैल्यूज़ है वो रख देंगे, तो हमें थर्ड साइड की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमारे पास ए बी है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 576 प्लस 49 जो है 625। तो ए सी स्क्वायर हमें मिल गया,
तो यहाँ से हम ए सी भी फाइंड कर लेंगे विच इज़ 25 सेंटीमीटर। तो हमें थर्ड साइड की मेजरमेंट भी मिल गई विच इज़ 25 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा गया है कि साइन ए फाइंड करना है। तो साइन ए की डेफिनेशन क्या थी? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस थी। तो अब एंगल ए के लिए अपोजिट क्या होगा? बी सी। तो एंगल ए के लिए अपोजिट साइड है बी सी, ए बी उसकी एडजेसेंट साइड होगी और ए सी हाइपोटेनस। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस दैट इज बी सी अपॉन ए सी, और बी सी की वैल्यू है 7 और ए सी की वैल्यू है 25। तो साइन ए हमें मिल गया 7/25। सिमिलरली कॉस ए की डेफिनेशन क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट फॉर एंगल ए इज 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस है 25 सेंटीमीटर। तो कॉस ए की वैल्यू मिल गई हमें 24/25। अब हमें फाइंड करना है साइन सी की वैल्यू। साइन सी की डेफिनेशन है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब इस एंगल सी के लिए अपोजिट साइड हमारी कौन सी होगी? ए बी साइड, और एडजेसेंट साइड होगी बी सी। हाइपोटेनस तो वही रहेगा ए सी। तो साइन सी की वैल्यू थी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड थी ए बी और हाइपोटेनस था ए सी। तो वो होगा ए बी अपॉन ए सी, जिसकी वैल्यू है 24/25। और लास्टली हमें फाइंड करना है कॉस सी की वैल्यू। अब एंगल सी के लिए, इस एंगल सी के लिए एडजेसेंट है हमारे पास बी सी साइड और हाइपोटेनस है ए सी साइड। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस ये कॉस सी की डेफिनेशन थी। तो उसमें हम वैल्यूज रख देंगे। एडजेसेंट हमारे पास थी बी सी दैट इज 7 अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 25। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि साइन ए की वैल्यू 3/4 है और हमें फाइंड करना है कॉस ए की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू। तो इसके लिए हम पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं विच इज राइट एंगल एट बी। अब इस ट्राइंगल में पहले तो हम साइन ए को डिफाइन कर लेते हैं। साइन ए था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब इस ट्राइंगल में फॉर एंगल ए, फॉर दिस एंगल अपोजिट साइड इज बी सी, तो बी सी उसकी अपोजिट साइड हो गई और ए सी जो हमारे पास हाइपोटेनस है। साइन ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 3/4। तो इस पर से हम कह सकते हैं कि बी सी की वैल्यू होगी 3 और ए सी की वैल्यू होगी 4। तो ये वैल्यूज़ हम ट्राइंगल में लिख लेते हैं। बी सी हमारे पास आया 3 और ए सी दैट इज़ हाइपोटेनस वो हमारे पास आया 4। इस ट्राइंगल में हमें दो साइड्स तो अब मिल गई। अब हमें फाइंड करनी है तीसरी साइड। तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम था ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमारे पास है 4, उसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है, और बी सी स्क्वायर दैट इज 3 का होल स्क्वायर। तो 16 - 9, 3 स्क्वायर को लेफ्ट साइड ला दिया हमने, दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें मिलती है 7 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस वी गेट ए बी की वैल्यू अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू हमें मिल गई अंडर रूट 7। उसे हम फिगर में लिख लेंगे। ये जो बची हुई साइड थी उसकी वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कॉस ए की वैल्यू फाइंड करना। तो कॉस ए की डेफिनेशन क्या थी? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। नाउ फॉर दिस एंगल ए हमारी एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए बी, और हाइपोटेनस कौन सी है? ए सी। तो ए बी की वैल्यू हमने फाइंड की रूट 7 और ए सी जो गिवन थी वो 4। तो कॉस ए की वैल्यू हमें मिल गई है अंडर रूट 7/4। सिमिलरली हमें पूछा गया है टेन ए की वैल्यू। टेन ए की डेफिनेशन क्या थी? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट एंगल ए के लिए कौन सी साइड है? बी सी, और एडजेसेंट है ए बी। तो इनकी वैल्यूज हम रख देंगे अपोजिट दैट इज बी सी विच इज 3 एंड ए बी दैट इज रूट 7। तो टेन ए की वैल्यू हमें मिल गई 3/√7। तो हमें कॉस ए और टेन ए दोनों की वैल्यूज मिल गई है। अब एक टर्म आती है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हम किसे कहते हैं? वो ट्रिपलेट्स जो
इस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें। लाइक ये फर्स्ट ट्रिपलेट है 3 4 5 3 4 5, अब सबसे बड़ी साइड होगी उसको तो हम हाइपोटेनस ले लेंगे, और जो रिमेनिंग टू साइड्स है वो एडजेसेंट होगी ऑपोजिट, वो कुछ भी हो सकता है, ऑपोजिट एडजेसेंट या एडजेसेंट ऑपोजिट कुछ भी हो सकता है। तो हम देखते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या नहीं। पाई स्क्वायर जो हाइपोटेनस है इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 5 स्क्वायर 25 और 9 प्लस 16 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 25। तो यस, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो 3 4 5 हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। सिमिलरली 5 12 13 13 जो कि लार्जेस्ट साइड है उसको हम हाइपोटेनस ले लेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 144 जो कि आता है 169, और 13 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 169। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। इसी तरह से 7 24 और 25 भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है जो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये तीन ट्रिपलेट्स हम याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये सम्स को स्पेशली MCQs को आसान कर देते हैं। अब हम एक और सम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इज 25 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड करना है साइन P, कॉस P और टेन P के वैल्यूज। तो पहले तो इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल विच इज़ राइट एंगल एट Q ड्रॉ कर लेंगे। Q पे राइट एंगल है। अब हमें दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पहली इन्फॉर्मेशन है PR प्लस QR की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, और सेकेंड इन्फॉर्मेशन है PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम इस फिगर में PQ की वैल्यू लिख देंगे, PQ दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो साइड्स अननोन है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक साइड को कोई भी वैल्यू दे देंगे। लाइक QR को हमने वैल्यू दे दी 1 सेंटीमीटर, और इसमें हम QR की वैल्यू रख सकते हैं। PR प्लस QR की वैल्यू जो हमने अज्यूम की है x, दैट इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें PR की वैल्यू मिलेंगे विच इज़ 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो इस वैल्यू को भी हम ट्राइंगल पे लोकेट कर देंगे, दैट इज़ 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो हमें तीनों साइड्स एक वेरिएबल विच इज़ x में मिल गई। अब हम ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं इस ट्राइंगल के लिए, दैट इज़ PR स्क्वायर इक्वल्स PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब हम इसमें उन साइड्स की वैल्यूज रख देते हैं। PR हमारे पास है 25 माइनस x, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर दैट इज़ 5 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर दैट इज़ x स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, दैट इज़ a माइनस b होल स्क्वायर की फॉर्म है, तो उसका फॉर्मूला होता है a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वही फॉर्म है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे, दैट इज़ ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज़ 50x प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर। ये x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 25 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे और माइनस 50x को हम राइट साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारे पास है 600 दैट इज़ इक्वल टू 50x। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 60/5 विच इज़ इक्वल टू 12। तो हमें ये थर्ड साइड दैट इज़ QR की वैल्यू भी हमें मिल गई, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। तो ये हाइपोटेनस की भी वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 25 माइनस x, और 25 माइनस 12 एंड दैट इज़ इक्वल टू 13। तो ये हमें एक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स मिल गया। अब हम क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया था, साइन पी की वैल्यू। साइन पी की डेफिनेशन क्या होती है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस एंगल पी के लिए ऑपोजिट है हमारे पास क्यू आर,
और पी क्यू उसकी एडजेसेंट साइड होगी, तो अपोजिट दैट इज क्यू आर और हाइपोटेनस दैट इज पी आर। अब क्यू आर की वैल्यू हमने फाइंड की 12 और पी आर हमारे पास है 13, तो साइन पी की वैल्यू मिल गई हमें 12/13। अब हमें पूछा गया है कॉस पी की वैल्यू। कॉस पी की डेफिनेशन क्या थी? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब इस ट्राइंगल में एंगल पी के लिए एडजेसेंट साइड होगी पी क्यू, तो हम लिख लेंगे एडजेसेंट की जगह पी क्यू और हाइपोटेनस तो पी आर ही रहेगी। तो पी क्यू की वैल्यू है 5 और पी आर की वैल्यू है 13, तो कॉस पी की भी वैल्यू हमें मिल गई 5/13। लास्टली हमें फाइंड करना है टेन पी की वैल्यू। टेन पी को हम दो तरह से लिख सकते हैं, साइन पी अपॉन कॉस पी भी लिख सकते हैं। साइन पी और कॉस पी की वैल्यू तो हमें मिल गई, दैट इज 12/13 होल अपॉन 5/13। 13 कैंसिल, सो 10p की वैल्यू हमें मिल गई 12/5। और दूसरा वे है, 10p की डेफिनेशन क्या थी? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट इस ट्राइंगल में है QR और एडजेसेंट होगा PQ, तो QR है 12 और PQ है 5, तो दोनों से हमें एक ही आंसर मिलता है, दैट इज 12/5। अब इस सम को करने के लिए हमारे पास सेकेंड मेथड भी है। पहले तो क्वेश्चन में हमें दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 और पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। वही हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया जिसमें पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थियरम को लिखेंगे। पाइथागोरस थियरम इस ट्राइंगल के लिए क्या होगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें दो टर्म्स दी है, पी आर और क्यू आर, तो पी आर तो लेफ्ट साइड है हमारे पास, क्यू आर को भी हम लेफ्ट साइड ला देंगे, तो पी आर स्क्वायर लेफ्ट साइड लाएंगे, इसलिए माइनस क्यू आर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये जो फॉर्म है वो इसी फॉर्म की तरह है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, वहाँ जहाँ ए पी आर है और बी क्यू आर है, तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, 5 का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू, और यहाँ पे भी पी आर प्लस क्यू आर है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्टली लॉक्स रख सकते हैं, तो पी आर प्लस क्यू आर की जगह 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर एज इट इज दैट इज इक्वल टू 25। अब 25 कैंसिल, तो हमें मिली पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स 25 जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी, और सेकेंड पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर जो हमने अभी फाइंड की। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने वक्त प्लस क्यू आर और माइनस क्यू आर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट साइड हमारे पास है 2 पी आर एंड दैट इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, तो पी आर की वैल्यू हमें मिली 13 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल में हमें पी आर की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई 13 सेंटीमीटर, और इस सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करके हम क्यू आर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। पी आर माइनस क्यू आर वॉज 1 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू हमें मिल गई 13, माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, तो क्यू आर की वैल्यू मिल गई हमें 12 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों साइड्स की वैल्यूज़ मिल गई, तो जब तीनों साइड्स की वैल्यूज़ मिल गई तो हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा तीनों को फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट मेथड में किया था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स पे। मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह इफेक्टिवली और इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम याद रख सकते हैं। व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, द रैंडम क्लब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे।